Welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Deepak Rathod welcoming you in one more session of financial accounting, accounts of joint venture business. So my dear student, in the previous session what we have done is the theory base of method 3 for maintaining accounts of joint venture business, and that is separate books for joint venture business is to be maintained. In the last session we have gone with the journal entries, different transactions for this method, as well as the effect of all that transactions in the account. We have also prepared the format of joint venture account, all partners account and joint bank account. So you have to remember one thing while solving practical example of this method about sequence of closing the three accounts. जो हम अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, तीन अकाउंट है हमारे पास. सो सबसे पहले हमें क्लोज करना है जॉइंट वेंचर अकाउंट. दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स. सो फर्स्ट वी हैव टू क्लोज जॉइंट वेंचर अकाउंट. द प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट. अगर जॉइंट वेंचर में हमें डेबिट साइड आंसर मिल रहा है, इट मीन्स दैट इट इज अ प्रॉफिट, देन ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स अकाउंट. And if joint venture में हमें credit side answer मिल रहा है, it is considered as a loss. So उसको हम transfer करेंगे partners account में debit side. So first we have to close joint venture account, then we have to close partners account. The balance of partners is transferred to joint bank account. जो भी balance मिल रही है, अगर partners account में debit side balance मिल रही है, तो हम joint bank में credit side transfer करेंगे. अगर पार्टनर्स अकाउंट में हमें बैलेंस क्रेडिट साइड मिल रही है, तो जॉइंट वेंचर में हम डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे. दिस इज सिंपली अ फाइनल सेटलमेंट अमाउंट. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन दैट आफ्टर ट्रांसफरिंग अमाउंट ड्यू और फ्रॉम पार्टनर्स टू जॉइंट वेंचर अकाउंट मस्ट बी क्लोज्ड. इट मीन्स दैट द टोटल ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट मस्ट बी टैलीड. मतलब करना क्या है, सिंपल याद रखो, पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद में पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करना है, और पार्टनर्स अकाउंट की बैलेंस हम जॉइंट बैंक में ट्रांसफर करेंगे. अब जॉइंट बैंक जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो पार्टनर्स अकाउंट का जॉइंट बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जॉइंट बैंक हमारा ऑटोमेटिकली दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, जैसे हमारी बैलेंस शीट मैच होती है कि नहीं होती है पता नहीं, आप लोग करते क्या हो, एक साइड का टोटल करते हो, दूसरी साइड लिख देते हो, ऐसा हमें यहां पे नहीं करना है. समझ में आ रहा है आपको, दोनों साइड टोटल करना है, तभी पता चलेगा आंसर सही है या गलत. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल. सो लेट्स रीड द प्रैक्टिकल एग्जांपल फर्स्ट. ए एंड बी एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर बिजनेस टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2. दो पार्टनर है, ए है और बी है. दे डिपोजिटेड रुपीज 4 lakh एंड 3 lakh रिस्पेक्टिवली इन जॉइंट बैंक अकाउंट एंड डिसाइडेड टू यूज इट फॉर परचेस एंड सेल्स. देखो जो आगे हमने एग्जाम्पल की, आगे जो हमने डिस्कशन किया है उसमें ये सब था. हम पहले एग्जाम्पल को समझने की ट्राई करते हैं. Joint venture expenses should be paid by each partners out of their private cash. A is to be paid salary of rupees 9,600 for management. मतलब A को salary देना, कितनी salary है? 9,600. And B is to be paid commission at 5% on sales he made. ए जो बंदा है, एक पार्टनर है, उसको सैलरी देनी है 9,600, और बी जो है दूसरा पार्टनर, उसको हमें 5% कमीशन देना है.
A purchased goods worth rupees 5,20,000 and paid rupees 40,000 for expenses. देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये जो A है वो परचेस कर रहा है, जो भी परचेस है, परचेस कौन कर रहा है ये हमें नहीं देखना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि परचेस की जो भी इफेक्ट होगी है वो हम ज्वाइंट बैंक से देंगे एंड 40,000 एक्सपेंसेस आर ऑल्सो गिवन। क्लियर। बी सोल्ड सम ऑफ द गुड्स फॉर रुपीज 4,80,000 एंड पेड रुपीज 5,000 एज अ सेल्स एक्सपेंस। बी जो है दूसरा पार्टनर, उसका कुछ सेल्स दे के रखा है और उसके कुछ एक्सपेंस दे के रखे। अभी परचेस और सेल के लिए हमें क्या दिया है, सी हियर, जॉइंट बैंक अकाउंट इज यूज फॉर परचेस एंड सेल्स। तो परचेस एंड सेल्स के इफेक्ट हम कहां पे देंगे, जॉइंट बैंक में। एंड यहां पे और क्या देखा है, देखे रखा है, देखिए, जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय ईच पार्टनर आउट ऑफ देयर प्राइवेट कैश। इट मींस दैट जो एक्सपेंसेस होगा उसके इफेक्ट हम पार्टनर्स अकाउंट में देंगे और परचेस और सेल्स के इफेक्ट है वो हम जॉइंट बैंक में देंगे। अनसोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,60,000 वॉज टेकन ओवर बाय ए। ए जो बंदा है वो स्टॉक लेके जा रहा है, मतलब स्टॉक टेकन बाय पार्टनर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबव प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल। क्या दे के रखा है हमें यहाँ पे, दो पार्टनर है ए एंड बी, डिपॉजिट दे के रखा है कुछ, ए का 4,00,000 है और बी का 3,00,000 है। ए को कुछ सैलरी पे करनी है 9,600 और बी को कमीशन देना है। अभी देखो कमीशन कितना है, 5%। कमीशन कितना है, 5%। सेल्स कितना दे के रखा है, 4,80,000। सो कमीशन की टोटल अमाउंट कितनी होगी, 4,80,000 पे 5%, दैट कम्स टू 24,000। सो सैलरी 9,600, कमीशन 24,000, परचेस दे के रखा है, एक्सपेंसेस है हमारे पास, सेल्स है हमारे पास, सेल्स एक्सपेंसेस है और स्टॉक टेकन बाय पार्टनर। और हमें क्या बनाना है, तीन अकाउंट तैयार करने हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। लुक एट हियर, सो दीज आर ट्रांजेक्शंस, डिपॉजिट 4,00,000 एंड 3,00,000, परचेस 5,20,000, सेल्स एक्सपेंसेस ऑफ ए 40,000, सेल्स 4,80,000, एक्सपेंसेस ऑफ बी 5,000, अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय ए 1,60,000, सैलरी 9,600 एंड कमीशन जो हमने कैलकुलेट किया है ओवरली 24,000। सो वी हैव टू गिव इफेक्ट ऑफ ऑल दीज ट्रांजेक्शंस इन अवर थ्री अकाउंट। विच आर दैट थ्री अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। सो लेट्स प्रिपेयर दिस थ्री अकाउंट। सो फॉर जॉइंट वेंचर बिजनेस, फर्स्ट इज जॉइंट वेंचर अकाउंट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर, ये तीन अकाउंट हमें तैयार करने हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, अलॉन्ग विथ वी हैव सम ट्रांजेक्शंस हियर, डिपॉजिट, परचेस, एक्सपेंसेस, सेल्स, एक्सपेंसेस ऑफ बी, अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय ए, सैलरी एंड कमीशन 24,000। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग। क्लियर, दिस इज अ वेरी इजी एग्जाम्पल, वी हैव अंडरस्टूड एग्जाम्पल इन वेरी इजी लैंग्वेज। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, on the basis of journal entries simply we have to give the effect of all this transaction in this three account. Karna kya hai hame, jo bhi transactions hai on the basis of that transaction hame ye accounts taiyar karne. So let's start with the first transaction, deposit by partner. Now look at here, this is deposit. This is method 3 where separate books of joint venture is to be maintained. So the entry for deposit by partner is joint bank account debited to partner's account credited. So on the debit side of joint bank to partner's account, here to A's account to B's account.
and in partner's account credit side by joint bank account 4 lakhs and 3 lakhs. Clear? So 4 lakh, 3 lakh here, 4 lakh, 3 lakh on the credit side of partner's account. This is for deposit. Second, purchase. Now as we are given in the example, purchase ka mein kya karna hai? Purchase or sales ki jo bhi effect hai, wo hum kahan se denge? Joint bank se. So joint venture account debited to joint bank account. So on the debit side of joint venture to joint bank account and on the credit side of joint bank account by joint venture account 5 lakh 20,000. This is for purchase. Expenses of A, expenses paid by partner. As same as previous method, joint venture account debited to partner's account. So joint venture ki debit side, partner's mein credit side. Next, sales. Now this is simply a sales. Sales karenge to humare paas kya hoga? Cash and bank aa raha hai kuch. So cash and bank account debited to joint venture account. So on the debit side of joint bank and credit side of joint venture account, look at here, this and this. Moving further, expenses of B, expenses paid by B, what is the entry? Partners pay kar raha hai, to partners account mein iske effect denge. So joint venture account debited to partners account expense. Clear? Moving further, unsold stock taken by A. Abhi stock kaun le ja raha hai? A. Receiver kaun hai? A. To partners account debited to joint venture account. Partners account mein debit side, joint venture mein credit side. पार्टनर कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है, तो ए की कॉलम में हम लिखेंगे. सैलरी टू ए, दिस इज सिंपली एक्सपेंसेस ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस. सैलरी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट. किसको सैलरी देनी है हमें? ए को. जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट. एंड द लास्ट इज कमीशन. Commission get calculated orally, that is 24,000. So joint venture account debited to B's account. Here commission is payable to B. So joint venture debit side to B's account. Partners account credit side by joint venture account. Commission 24,000 in the column of B. Clear up to this? So this is what the effect of all the transactions. Now we have to close the account. अब हमें करना क्या है? अकाउंट्स क्लोज करना है. तो अकाउंट्स जब हम क्लोज कर रहे हैं तो हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज करना है, उसके बाद में पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करना है, और पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज करने के बाद जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके जॉइंट बैंक अकाउंट क्लोज करना है. देखो आप जो कर रहे हो जॉइंट बैंक क्लोज करते टाइम पे, वो बैलेंस शीट की तरफ दोनों साइड मिल जाना चाहिए टोटल. अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है. तो हम क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स क्लोज करेंगे. सबसे पहले क्लोज जॉइंट वेंचर अकाउंट. सो इफ वी आर क्लोजिंग दिस, वी आर गेटिंग हायर अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड 6,40,000. माइनस ऑल दिस, वी आर गेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 41,400. दिस इज अ प्रॉफिट 41,400. दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो दो पार्टनर है, ए और बी. अगर 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सो मिल रहा है 24,840 एंड 16,560. नाउ द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट. लुक एट हियर, दिस प्रॉफिट 24,840 एंड 16,560 इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट. नाउ वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स अकाउंट. अगर अभी हमें पार्टनर्स अकाउंट क्लोज करना है, सो इफ यू आर क्लोजिंग एज अकाउंट, पहले हम ए का अकाउंट क्लोज कर रहे हैं. सो टोटल 4,74,440 माइनस 1,60,000, सो वी आर गेटिंग 3,14,440 फॉर ए. नाउ क्लोज द अकाउंट्स ऑफ बी,
3,45,560, डेबिट साइड कोई अमाउंट नहीं है, सो डायरेक्टली आंसर इज 3,45,560. पहले हमने क्या किया, जॉइंट वेंचर क्लोज किया, फिर पार्टनर्स अकाउंट क्लोज किया. नाउ द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू जॉइंट बैंक अकाउंट. ये जो बैलेंस मिल रही है हमें, ए की बैलेंस मिल रही है 3,14,440 और बी की बैलेंस मिल रही है 3,45,560. सो दिस बैलेंस इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट. देखो यहां पे अगर हमें ये बैलेंस कहां पे मिल रही है, डेबिट साइड मिल रही है, तो हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रेडिट साइड. ऐसा भी हो सकता है, तो यो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बैलेंस है ये हमें यहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही हो, तो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, सो यहां पे हमने ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड. नाउ वी हैव टू क्लोज जॉइंट बैंक अकाउंट. अभी यहां पे क्लोज हो जाना चाहिए, जो आप अब तक करते हैं ऐसा नहीं करना है, एक साइड टोटल करके छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, तब आपको पता चलेगा कि सही है या गलत है. सो इफ यू आर मेकिंग टोटल ऑफ दिस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख, सो 11,80,000 बोथ दिस साइड्स वी आर गेटिंग. क्लियर? सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ practical example of method 3 where separate books for joint venture is to be maintained. ठीक है, फिर से एक बार, accounts close कैसे करना है, joint venture पहले close करना है, उसके balance हम partners में transfer करेंगे, फिर partners account को close करना है, फिर partners के balance हम joint bank में transfer करेंगे. Clear? So this is how you can solve the practical example of method 3. If you have any doubt, comment in the comment section. Kindly subscribe the channel for regular updates. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.